तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से आबकारी घोटाले में आज ईडी के सामने पेशी होगी। दिल्ली सरकार की शराब नीति के घोटाले में कथित भ्रष्टाचार के मामले में कविता से पूछताछ होगी। कविता उन नेताओं और कारोबारियों में शामिल हैं जिन पर इस घोटाले से जुड़े होने का आरोप लगा है। इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फिलहाल सीबीआई के बाद अब 7 दिन की ईडी की रिमांड पर है। इससे पहले कल महिला आरक्षण बिल की मांग को लेकर के कविता ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। कई विपक्षी नेता भी इस धरने में शामिल हुए और यहां कविता ने विपक्ष को एकजुट होने का आह्वान भी किया। जंतर मंतर पर शुक्रवार को ये शक्ति प्रदर्शन महिला आरक्षण के नाम पर हुआ। विपक्ष के 13 दलों ने एक आवाज में मोदी सरकार पर ये आरोप लगाया कि वो जानबूझकर महिला आरक्षण बिल की बात नहीं कर रही। आज एक अच्छा अवसर है, एक हिस्टोरिक अवसर है, जहाँ पे फुल मेजोरिटी का सरकार है, तो हम इस मंच से इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को हम डिमांड करते हैं कि महिला आरक्षण बिल आप इंट्रोड्यूस करें। हम सारे दलों को एक करने का कोशिश करेंगे। उल्लेखनीय ये भी है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट शनिवार को कविता से शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ करने वाला है। वैसे विपक्ष में एकता केंद्रीय जांच एजेंसियों का नतीजा भी है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जहां चुनाव आने वाले होते हैं वहां मोदी सरकार अपनी जांच एजेंसियां भेज देती हैं। मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई हो रही है, सारे विपक्ष के लोगों पे कार्रवाई हो रही है, सबको जेल में डालेंगे, सब पे सीबीआईडी छोड़ेंगे। मैंने तो कहा था कि भाई मुर्दों से भी पूछताछ के लिए कानून लेके आइए, आप जो करना है कीजिए, लेकिन लोग देख रहे हैं इस बात को और समय आने पर जवाब देंगे। पुराने बीजेपी के समर्थक दल भी इस धरने में मोदी सरकार के खिलाफ बैठे। हर पार्टी इसको अपने मैनिफेस्टो में रखती है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है और सब पार्टियों के मैनिफेस्टो में है, लेकिन जब संसद में बात होती है तो सब चुप्पी धारण कर लेते हैं। मैं आशा रखता हूं कि इस प्रोटेस्ट के साथ संसद में फिर आवाज़ उठेगी और 24 की चुनाव से पहले ये बिल पास करवाया जाएगा। देश भर से 29 राज्यों में से आए अलग अलग महिला संगठनों ने धरने में हिस्सा लिया और मोदी सरकार को अपने पुराने वादे याद दिलाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए है कि संविधान जब हमको हर क्षेत्र में बराबरी देता है तो हमको प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में भी बराबरी मिलनी चाहिए, और हम ये मानते हैं कि चूंकि राजनीतिक दल टिकट नहीं देते हैं महिलाओं को, इसलिए वो वहाँ पहुँच नहीं पाती हैं। इसलिए ये विधेयक का कानून में बनना जरूरी है ताकि अनिवार्य रूप से हर पार्टी को 33% जो सीटें होंगी वो सीटें आरक्षित होंगी, तो 33% जो पार्लियामेंट होगा, जो विधानसभा होगी, उसमें 33% महिलाएं होंगी ही होंगी। दिलचस्प ये भी है कि महिला आरक्षण बिल बीजेपी सरकार के घोषणा पत्र का हिस्सा था, लेकिन फिर भी सरकार इस पर कुछ नहीं बोल रही है। जय भारत। महिला आरक्षण बिल बहुत ही संजीदा मामला है, लेकिन पेचीदा मामला है। पिछले 27 सालों से इस बिल के ऊपर चर्चा हो रही है, लेकिन कोई राजनीतिक दल इसे सिरे तक नहीं ले जा पा रहा है। आज जंतर मंतर पर यहाँ पर महिलाएं अलग अलग राज्यों से इकट्ठा हुई हैं और उनका कहना है कि इस बिल को अब वो पास करवा कर ही रहेंगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने शूटरों की धरपकड़ के लिए पूरी ताकत लगा दी है। तो इसी बीच 2.5 लाख के इनामी शूटर साबिर के भाई का लावारिस शव संदिग्ध हालत में मिला। इसे लेकर तरह तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं। चर्चा अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों को लेकर भी है। पुलिस के मुताबिक उन्हें पकड़कर बाल संरक्षण गृह में रख दिया गया है, जबकि उनकी पत्नी कह रही है कि वो कहीं नहीं मिल रहे। मामले की सुनवाई जिला अदालत में चल रही है। कौशाम्बी पुलिस का यह प्रेस नोट कोखराज थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव के एक खेत में लावारिस हालत में मिले शव को लेकर है, जिसकी पहचान उमेश पाल शूटआउट केस में 2.5 लाख के इनामिया शूटर साबिर के भाई जाकिर के रूप में हुई है।
जाकिर पहले अपनी पत्नी की हत्या के मामले में जेल जा चुका है और हाल ही में जमानत पर छूट कराया था। इस हत्या से इलाके में कयासों का बाजार गर्म है। देखिए, थाना कोखराज के ग्राम मोहम्मदपुर में एक सौ मिला हुआ था खेत में, जिसकी पहचान के लिए प्रयास किया गया, जिसकी बहन के द्वारा पहचान की गई है, उसका नाम जाकिर पता चला है और सौ को हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जो भी पीएम रिपोर्ट में तथ्य प्राप्त होंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और उसके परिजनों के द्वारा जो और भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग अलग से पूछताछ कर रहे हैं। कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान भी जेल काट रहे अतीक अहमद के दो नाबालिग बेटे कहाँ हैं, इस बारे में भी कुछ साफ नहीं हो पाया है। हत्याकांड के बाद पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अतीक के दो नाबालिग बेटे उसे 2 मार्च को लावारिस हालत में घूमते मिले थे, जिन्हें बाल संरक्षण गृह में दाखिल करा दिया गया था, लेकिन अतीक की पत्नी का दावा है कि उनके बच्चे गायब हैं। ये शिकायत लेकर वह अदालत पहुंची, जहां पुलिस अपनी बात पर कायम रही, लिहाजा अतीक अहमद के बेटे कहाँ है ये राज फिलहाल राज ही है। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों एजम और अबान को लेकर के अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि आखिर वो दोनों हैं कहाँ। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीजीएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी कि अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि उनके दोनों नाबालिग बेटे कहाँ हैं, जिस पर सीजीएम कोर्ट ने पुलिस से पूछा था। पुलिस ने जवाब लगाया कि दोनों लोगों को चकिया स्थित इलाके में घूमते टहलते पाया गया था और उन्हें बाल संरक्षण गृह में दाखिल कराया गया है, लेकिन आज भी इस सुनवाई पर अतीक अहमद की पत्नी ने आपत्ति दर्ज कराई। उनकी तरफ से आपत्ति दर्ज हुई जिसमें यह कहा गया कि अभी भी ये नहीं पता कि आखिर किस बाल संरक्षण गृह में हैं दोनों बच्चे, तो जिस पर सीजीएम कोर्ट ने प्रयागराज पुलिस को आदेश दिया है कि वो 13 मार्च तक ये बताएं कि आखिर किस बाल संरक्षण गृह में अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटे रखे गए हैं। अतीक के बेटे एहजम व अबान को किस बाल संरक्षण गृह में रखा गया है, इस पर 13 मार्च को प्रयागराज पुलिस अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और तभी इस मामले का सस्पेंस खत्म होगा। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई के बीच कयासों का बाजार भी गर्म है। एक तरफ जहां मेन शूटर के भाई की लावारिस लाश मिलने पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद के नाबालिग बेटों को लेकर भी कयासों का बाजार गर्म है। पुलिस कह रही है कि वो बाल संरक्षण गृह में है, जबकि अतीक की पत्नी कह रही है कि वो उन्हें कहीं मिल नहीं रहे हैं। अब इसमें कौन सही कह रहा है और कौन गलत, इसके लिए अभी अगले तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। प्रयागराज से नितिन गुप्ता के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के छपरा में एक शख्स नसीम कुरैशी को प्रतिबंधित मांस बेचने के आरोप में गांव वालों ने इतना पीटा कि अस्पताल के रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। स्थानीय पुलिस का कहना है कि प्राथमिकी में नामजद 5 में से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीवान जिले के हसनपुरा गांव में नसीम कुरैशी के परिवार में सन्नाटा पसरा है। मंगलवार को 56 वर्षीय नसीम की बगल के सारण जिले के योगिया गांव में गांव वालों ने बुरी तरह मारा। उन्हें शक था नसीम ने प्रतिबंधित मांस रखा है, साथ में उनका भतीजा फिरोज था जिसने भागकर जान बचाई। उसके अनुसार नसीम की मौत अस्पताल ले जाने के समय हुई। पिटाई के बाद ग्रामीणों ने नसीम को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसने काफी समय खाना पूर्ति करने में लगा दिया। दोनों आदमी साथ में जा रहे थे, चाचा और हम गाड़ी पे थे, वो चला रहे थे, हम बैठे थे, ठीक है। उसके बाद से वो अवल जब तक जीते हुए थी से सरपंच जी दूर से देखे, जब इनको तो कह रहे हैं कि आ रहा है, उसको धरो, उसको मारो साले, वही ऑर्डर दिए। तो हम बुझ गए, देखे डंटा वंटा हाथ में, कूद कर हम भाग चले, इनको आदमी दौड़ाया, हम निकल गए आगे, इनको धो लिया सब, इन्हीं को लगा से मारने। वही पुलिस का कहना है कि नसीम के पास से प्रतिबंधित मांस बरामद तो हुआ और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब तक 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसमें 5 नामजद व्यक्तियों पर FIR हुई है, जिसमें 3 को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। एक वहां पर जो है सुशील सिंह, सरपंच बताया जा रहा है, बाकी लोगों पर हम कार्रवाई कर रहे हैं जैसा आपको बताया, और शीघ्र ही हम इसमें आरोप पत्र समर्पित करेंगे। हालांकि इस मामले में पुलिस कार्रवाई का हवाला दे रही है, लेकिन सच्चाई है
कि बिहार में ऐसी घटनाएं अब आम होती जा रही हैं। सीवान से अविनाश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। भारत समंदर में किस तरह अपनी ताकत बढ़ा रहा है और युद्धपोत उत्पादन में किस तरह से आत्मनिर्भर बन रहा है, उसकी एक बड़ी मिसाल है आईएनएस विक्रांत। भारत में बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। देखते हैं एनडीटीवी संवाददाता सुनील सिंह की आईएनएस विक्रांत से ऑन बोर्ड रिपोर्ट। भारत में बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत 862 फुट लंबा यह विशाल युद्धपोत भारतीय समंदर का नया प्रहरी है। इस पर एक साथ 30 एयरक्राफ्ट रह सकते हैं, 10 फ्लाइंग डेक पर और 20 हैंगर में। इस समय हम आईएनएस विक्रांत के हैंगर में हैं। देखिए कितना विशाल इसका एरिया है, 2600 मीटर है और इसके अंदर 20 जो है कि एयरक्राफ्ट पार्क हो सकते हैं। ये जो देख रहे हैं ये राउंड टेबल है, दरअसल टर्न टेबल है। एयरक्राफ्ट जब इस एयर लिफ्ट से यहाँ आएगा तो यहाँ से वो इसके जरिए टर्न होकर जहाँ चाहिए वहाँ वो पार्क हो सकता है। आईएनएस विक्रांत पर दो एयरक्राफ्ट लिफ्ट है जो हैंगर में ना होकर बाहर की तरफ बनी है ताकि इसकी वजह से फ्लाइंग डेक पर उड़ान के ऑपरेशन में कोई बाधा ना आए। अब हम इस एयरक्राफ्ट लिफ्ट से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी एयरक्राफ्ट लिफ्ट के जरिए जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर है, वो यहाँ से ऊपर डेक पर जाते हैं या फिर डेक से नीचे उतरकर फिलहाल हैंगर में जाते हैं। लेकिन फिलहाल हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं। लिहाजा ये देखिए सामने आपको डेक दिखाई पड़ रहा है और फाइटर एयरक्राफ्ट यहाँ पर पार्क हैं, उड़ान भरने के लिए तैयार। सितंबर 2022 में नौसेना बेड़े में शामिल किए गए आईएनएस विक्रांत पर MiG-29 के फाइटर जेट, कोमो अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर, MH-60 RC हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के साथ भारत में बने हल्के लड़ाकू विमान तेजस भी तैनात हैं, जो आदेश मिलते ही फ्लाइंग डेक से उड़ान भरने को तैयार रहते हैं। अब हम आईएनएस विक्रांत के फ्लाइंग डेक पर आ चुके हैं। ये आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि इस पर विमान भी उतर सकते हैं, उड़ सकते हैं, जिसे कि हम विमान वाहक युद्धपोत कहते हैं। इसका जो फ्लाइंग डेक है ये 2 फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा है। आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना का पहला विमानवाहक युद्धपोत था, भारत पाकिस्तान युद्ध में जिसने दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर दिया था। साल 1997 उसे रिटायर करने के बाद एक बार फिर से आईएनएस विक्रांत हमारे सामने है, लेकिन नए अवतार में। नया आईएनएस विक्रांत देश में बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे कोची शिपयार्ड में बनाया गया है। 76% हिस्सा पूरी तरह से स्वदेशी है। इसका डिजाइन भी भारतीय वॉरशिप ब्यूरो ने किया है। ये एक ऐसा माइलस्टोन हमने अचीव किया है जो चंद गिने चुने देश इस दुनिया में कर पाते हैं। एक कैरियर डिजाइन, कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट करना आसान बात नहीं है। केवल 6 राष्ट्र इस दुनिया में हैं जो ये कर पाते हैं। भारत और भारतीय नौसेना यही चाहेगी कि हम सब जो इंडियन ओशन रीजन के राष्ट्र हैं उनके साथ मिलकर काम करें। हम एक प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर बने और जो इस एरिया में आयात निर्यात होता है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, वो बरकरार रखें। ये सभी अचीव करने के लिए एक कैरियर, उसके पूरे कैरियर बैटल ग्रुप के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता और आईएनएस विक्रांत के सामरिक महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि 9 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनेस ने आईएनएस विक्रांत का दौरा किया और घोषणा की कि इस बार का मलाबार अभ्यास ऑस्ट्रेलिया समुद्र में होगा। ये बात विश्व में भारतीय नौसेना की मारक क्षमता और रक्षा क्षेत्र में स्वावलंबन को दर्शाती है। विक्रांत माने साहसी, जहाज का आदर्श वाक्य है जयम स युधिष्ठिरः, जिसका अर्थ है मैं उन लोगों को हराता हूँ जो मुझसे लड़ते हैं। आईएनएस विक्रांत के फ्लाइंग डेक से
कैमरामैन संजय मंडल, सर सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।